ओम नमः शिवाय, जय महादेव। भक्तों, शिव सूत्र का आपको हम अध्ययन करा रहे हैं। उससे पहले कुछ चीजें आपको जान लेना जरूरी है। तो भक्तों, भारत में हम शास्त्र का अध्ययन नहीं करते, हम शास्त्र का पाठ करते हैं। अध्ययन शास्त्र का हो भी नहीं सकता। अध्ययन का अर्थ है एक बार समझ लिया फिर कचरे में फेंक दिया, जैसे कि बात खत्म हो गई। जब समझ ही लिया तो फिर अब दोबारा क्या करना। पाठ का अर्थ होता है समझ, बुद्धि की होती है, एक बार में पूरी हो जाती है। इसकी तो चुस्कियां बार बार लेनी पड़ती हैं। इसे तो जाने अनजाने न मालूम कितनी बार दोहराना पड़ेगा। इसे तो बहुत से भाव क्षणों में, बहुत सी मनोदशाओं में, कभी सुबह जब सूरज उगता है तब, कभी रात जब अंधकार हो जाता है तब, कभी जब मन प्रफुल्लित होता है तब, और कभी जब मन उदासी से भरा होता है तब, विभिन्न चित्त की दशाओं में, विभिन्न मनोक्षणों में इसमें उतरना होगा। तब इसके सभी पहलू धीरे धीरे प्रकट होंगे, फिर भी तुम इसे चुकता न कर पाओगे, क्योंकि कोई भी शास्त्र कभी चुकता नहीं। जितना ही तुम पाओगे कि खोज लिया, उतना ही पाओगे कि खोज के लिए बहुत ज़्यादा बाकी रह गया। जितने तुम गहरे उतरोगे, पाओगे कि गहराई बढ़ती चली जाती है। शास्त्र को कभी पाठी चुका नहीं पाता। पाठ का मतलब ही यही है कि बार बार, बहुत बार। पश्चिम के देश इस बात को समझ नहीं पाते। उनकी पकड़ के बाहर है कि लोग हजारों सालों से गीता क्यों पढ़ रहे हैं। फिर एक ही आदमी रोज सुबह उठकर गीता पढ़ लेता है, पागल हो गया है। लेकिन उनको ख्याल नहीं है कि पाठ की प्रक्रिया हृदय में उतारने की प्रक्रिया है। उसका समझ से कोई बहुत ज़्यादा वास्ता नहीं, स्वाद से वास्ता होता है। तर्क, गणित और हिसाब से उसका कोई संबंध नहीं है। उसका संबंध तो अपने हृदय को और उसके बीच की जो दूरी है उसको मिटाने से है। धीरे धीरे हम इतने लीन हो जाएंगे कि पाठी और पाठ एक हो जाए, पता ही न चले कि कौन गीता है और कौन गीता का पाठी। ऐसे भाव से जो चले, यह धर्म का भाव है, भक्ति का भाव है, यह समर्पण की धारा है। इसे ख्याल में ले लें और उसके बाद आप शिव सूत्र को निरंतर सुने। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जैसे ही आप उसको धीरे धीरे सुनना और दोहराना, पाठ करना चालू करते हैं, तो कुछ दिन आप चकित रह जाओगे कि जो इस शास्त्र को कान सुन रहा है तो अब इस शास्त्र को कान नहीं सुन रहा है। कान के पीछे जो बैठा है, जो आपके भीतर बैठा श्वास ले रहा है, वह अब इस शास्त्र को सुनकर खुद को महसूस करने लगेगा। वह महसूस करने लगेगा कि तुम देह नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि भी नहीं हो, तुम कुछ ऐसे हो जो ना कभी जन्मा है ना कभी उसकी मृत्यु होती है, वह अविनाशी है। तो परमात्मा को पाने से पहले आपको स्वयं को जानना होगा, आपको आत्मा का पता होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप आत्मा को नहीं पा लेते, तब तक आप परमात्मा की तो बात ही छोड़ दो। क्योंकि आत्मा ही परमात्मा की पहली सीढ़ी है। परमात्मा तो आत्मा की परम अवस्था है। वर्तमान में हम परमात्मा की निमन अवस्था भी नहीं हैं, क्योंकि हम भूल चुके हैं कि हम कौन हैं। हमारे मन में हजारों सैकड़ों द्वंद, सैकड़ों विचार पैदा होते हैं, जिनकी धूल हमारे ऊपर इतनी जम गई है कि हमने स्वयं को ही भुला दिया। हम इस शरीर, इस मन को अपना समझने लगे, हम समझने लगे कि मैं शरीर हूँ, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है ये कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। क्योंकि शरीर तो आते जाते रहते हैं, आपने जन्मों जन्मों से शरीर आए शरीर गए,
शरीर नष्ट होते गए, जन्म लेते गए, लेकिन आप मौजूद हो। तो वह मौजूद का भाव क्या है? कुछ लोग उसे आत्मा कहते हैं, कुछ लोग उसे ऊर्जा कहते हैं, कुछ लोग उसे चैतन्य कहते हैं। तो शिव सूत्र में यही आपको समझाने की कोशिश की गई है। भगवान शिव ने एक चिंगारी आपकी तरफ फेंकी है, जो चिंगारी अगर आपके जीवन में सुलग जाए तो परमात्मा आप में भभक पड़ेगा। तो इस आशा के साथ मैं शिव सूत्र को पाठ निरंतर आपको उपलब्ध कराता रहूँगा अपनी अलग अलग वीडियो के माध्यम से, ताकि जो चेतना आपके भीतर, जिसके ऊपर धूल मिट्टी राख जमी है, आप उस राख को उकसाओ। उस राख को उकसाने से आपके भीतर की चिंगारी अंगारे प्रकट होंगे। आप जो हो उसको आप देख लोगे कि मैं क्या हूँ। तब आपके सारे भय, सारे विषाद, सारी चिंताएं, फिकर खत्म हो जाती हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो हम शिव को नमन करके इस सूत्र को निरंतर जारी रखते हैं। आप सभी भक्त जनों से कामना करता हूँ कि आप इसको सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि इसको गुनेंगे, अपने भीतर इसको अपने अनुभव में लाएंगे। जय भोलेनाथ।